अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद जाके व्लॉग स्टार्ट किया है। और बस मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया होगा मैंने व्लॉग बनाए नहीं है। बहुत लेट हो गया भाई, अब क्या करूं मैं। सीरियसली मैं इतना बिजी था कि मैं 1-2 घंटे का व्लॉग भी नहीं बना सकता था। एक तो यूनिवर्सिटी के चक्करों में पड़ गया मैं, यूनिवर्सिटी की वजह से बस टाइम नहीं मिल रहा था। और ऊपर से रमज़ान आ गया, रमज़ान आया तो और ऊपर से यूनिवर्सिटी, रोज़े, रमज़ान और पेपर सबको साथ लेके चलना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैं बिल्कुल मतलब बिजी हो गया था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर क्या करना था, बस मैंने कहा यार कुछ टाइम रुक जाते हैं, पेपर्स चल रहे थे मेरे, तो मैंने कहा पेपर्स भी क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद देख लेंगे जो होगा। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा आज व्लॉग बना लेता हूँ मैं। और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि यार व्लॉग 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 व्लॉग। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, 10 से 15 मैसेजेस मुझे इनबॉक्स आए हुए हैं इंस्टाग्राम में। मैंने सबको जवाब दे दे के मैं थक गया हूँ कि भाई जल्दी व्लॉग आएगा, जल्दी आएगा, उनको आसरे में रखा हुआ मैं। बस बस मैंने कहा आज कैसे भी करके व्लॉग बनाना है, तो ये ले शुरू कर दिया। अब इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग एक वीक में एक से दो व्लॉग आ जाएंगे इजी इंशाल्लाह। और आप एक चीज़ देख के हैरत हो जाएगी आपको कि ये मैंने क्या करवा दिया। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको पूरा 360 व्यू दिखाऊंगा इसका। मुझे लगता नहीं है कि जितने व्यूज मेरे पहले आते थे उतने आएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जाके व्लॉग बना रहा हूँ ना, इस वजह से भाई व्यूअरशिप बहुत डाउन हो गई होगी मेरी। बस क्या कर सकते हैं। और PZ30 का व्लॉग मैंने लास्ट डाला था, जो 130 मैंने इस पर मारा था, उस पर मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई हैं कि भाई कि 130 मार रही है, एवरेज क्या दे रही है, टॉप हर फर्स्ट ईयर में टॉप कितना मार रही है, सेकंड में टॉप कितना मार रही है, मिसिंग कर रही है कि नहीं, भाई बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए। और ऊपर से और वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई है मेरी, और वो वीडियो अराउंड 600 व्यूज प्लस चली गई है। बस अभी मैं आपको पूरा इसका रिव्यू बना के दिखाऊंगा। पहले से तो बहुत छूट मार रही है गाड़ी, तो इसकी जी नॉर्मल हो गया है अभी। आप सिर्फ इसको मैं फोर्थ गियर पे इसको 110 तक लेके जाता हूँ, फोर्थ गियर 110 जैसे शिफ्ट करता हूँ ये इजी 120 मारती है। 120 कभी कभी जब हवा थोड़ी कम होती है तो उसके बाद ये 130 भी इजी मार लेती है। Enjoy the ride.
मैंने बाइक में बहुत सारी चेंजिंग्स करवाई हैं और वो भी आपको दिखानी है। ज़्यादातर तो दिखा चुका हूँ, बस एक ही चेंजिंग है जो मैंने आपको नहीं दिखाई। वो भी आगे चल के मैं कहीं भी रोक के आपको पूरा 360 व्यू देता हूँ इसका। थर्ड गियर 90। फोर्थ गियर 110 इधी जा रही है अभी, ये मैंने फिफ्थ शिफ्ट कर लिया। और सबसे मेन बात, अगर किसी को कंपैरिजन चाहिए 2019 मॉडल, 2018 मॉडल और 2022 मॉडल का, तो मैं उन सब का कंपैरिजन भी कर सकता हूँ उन तीनों बाइकों को खड़ी करके। मेरे पास हैं 2018 भी है मेरे पास, हमारे अपने ग्रुप में ही है। 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 22 है, 21 नहीं है, 22 है। 22 हमने अभी रिसेंटली खरीदी है, 22 मॉडल है और मतलब अराउंड 3000 चली हुई है, 3000 चली हुई थी और मतलब हमें मिल गई थी अराउंड 275 में मिली थी हमें। अभी तो उसके इन्फिनिटी के अप्लाइड के रेट चल रहे हैं 3,60,70 ऐसे ही कुछ चल रहे हैं, बहुत हाई हो गए इसके रेट बहुत। फुल फटाका सी, मैं इसका आपको टॉप चेक करवाऊंगा फर्स्ट से, कौन कौन गियर से मतलब किस गियर में कितना टॉप मार रही है गाड़ी। स्टार्ट फर्स्ट 40, 60 सेकंड 60, थर्ड 90, फोर्थ 110। थोड़ी रश है तो इस वजह से मैं भगा नहीं पा रहा। फोर्थ 110 गई थी, ये चेक करें 130। ओ भाई साहब 130 गई भाई, इजी 130 लेके गया मैं इसको। तो आप समझ सकते हैं गाड़ी में कितनी पावर है अभी, ओए होए होए जो मजा देती है। सीरियसली वो मजा है ना इसमें, ओए होए लेवल का।
तो मैं आपको इसका पूरा व्यू देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे कोई नाडो ग्रे लग रही है गाड़ी पूरी। असल में मैंने इसमें स्मोक बोलते हैं उसको, रैप करवाया था, तो मुझे लगा कि यार कोई अच्छा लुक देगा, पर फिर भी यार ये बहुत ही बेहतर लुक आया हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं खुद इसमें, मतलब नाडो टाइप आ गया। रात को इसका पर्पल हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, और सुबह को ये नाडो ग्रे हो जाती है। तो बहुत ही कोई कसम लेवल का लुक आया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। पीछे से प्लेट नंबर भी मैंने बनवाई थी अहमद नाम की, और साइड मिरर का तो मैंने आपको बताया हुआ था। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं इसका PZ30 का रिव्यू करूँगा कि कितना एवरेज दे रही है, और गाड़ी कितना भाग रही है, कितने इकोनॉमिक स्पीड पे कितनी एवरेज दे रही है, और भगाने पे कितनी दे रही है। इंशाल्लाह टोटल मैं इसका रिव्यू बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। अल्लाह हाफिज़।